2023 को पेटरवार प्रखंड के औरदाना पंचायत में ऊर्जा मेला लगाया गया, जिसमें मुख्य रूप से गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महंतो उपस्थित हुए। ऊर्जा मेले में बिजली विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। ऊर्जा मेला लगाने का खास मकसद बिजली बिल में ब्याज बढ़ोतरी जो हुई है उसे माफ करना, साथ ही साथ 100 यूनिट बिजली बिल का पैसा नहीं लगेगा। पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि गुलाब चंद माझी ने बताया कि हर महीने बिजली बिल नहीं मिलता है, ग्रामीणों को इससे परेशानी और बढ़ जाती थी, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी स्पष्ट रूप से कहते नजर आए कि घर घर तक बिजली बिल हर महीने पहुंचाया जाएगा, पोल की कमी, तार जर्जर की स्थिति सब कुछ ठीक की जाएगी और जल्द ही काम चालू होगा। आज के ऊर्जा मेला के बारे में बताइए। आज का ऊर्जा मेला औरदाना पंचायत में जो लगाया गया है, ये मूलतः एक सूद माफी योजना का लाभ जो गरीबों को देने के उद्देश्य से लगाया गया है। उसे बहुत दिनों से जिनका बकाया का बिल नहीं दिए हैं और जिनका सूद सूद माफी दिया जा रहा है। सोलह तारीख को वार्ता हुआ, पोल की कमी और तार भी कई जगह जर्जर होने का स्थिति, उसके बावजूद में भी अभी तक काम चालू नहीं हुआ, इस पर क्या करना? एक सौ यूनिट बिजली माफ पर क्या करना? 100 यूनिट बिजली जो माफ करना था, उसको आंदोलन के बाद ही माफ क्यों? आंदोलन से पहले से भी लोगों को दिया जा रहा है। कुछ लोगों को जो जिनके यहाँ मीटर स्थापित नहीं था, उन लोग लाभ से वंचित थे, उन लोगों पर इसका लाभ दिया जाए और गरीबों को इसका लाभ मिले, इस पर समुचित कार्रवाई की जाए। आपका कहने के मुताबिक कृषि विभाग में जो घोटाला चल रहा है, किस टाइप से चल रहा है? अभी कृषि विभाग में कहा जाए तो मुख्यतः सारे जितने भी उसके विभाग हैं, कृषि निदेशालय के अंतर्गत जितने भी विभाग हैं, मुख्यतः सभी विभागों में घोटाला का बंदरबांट का खेल काफ़ी दिनों से चला आ रहा है। परंतु दुर्भाग्य की बात है, न सरकार इस ओर गंभीरता दिखा रही है और ना ही कोई पत्रकार इस बात को निर्भीकता से रखना चाहते हैं और ना ही कोई जनप्रतिनिधि इस बात को ठोस तौर पे रखना चाहते हैं, ना ही विधानसभा में आवाज़ उठाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें ऊपर से नीचे तक सारे लोग लिप्त हैं। पत्रकार की जो बात रहा, आज आप जिसके पास बैठ दे रहे वो भी एक पत्रकार ही है, इस पर क्या कहना है? इस पर मुझे विश्वास है कि आपकी पत्रकारिता पर मुझे पूर्ण विश्वास है, चूँकि मैं पहले भी आपको अपने माध्यम से बैट दे चुका हूं और बताया भी हूं, आपने निर्भीकता से उन बातों को रखा, मुझे विश्वास है कि आप भी इस बात को फिर से दोबारा धरातल पर। सूचना मांगने पर कृषि विभाग से क्या आश्वासन मिलता है? अभी मैं कृषि विभाग के जन सूचना अधिकारी कृषि निदेशालय से मैंने मुख्य बिंदुओं पर, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, ड्रिप सिंचाई को लेकर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 7 बिंदुओं पर सूचना की मांग की थी। सूचना की मांग करने के पश्चात जन सूचना पदाधिकारी द्वारा मुझे पत्र जारी कर यह कहा गया कि इन्हें सूचना अविलंब उपलब्ध कराया है। तत्पश्चात पुनः वही जन सूचना पदाधिकारी द्वारा 5 दिनों के बाद यह पत्र जारी कर मुझे प्रेषित किया जाता है। जब मैं उस पत्र को पढ़ता हूँ तो मुझे उनके कार्यशैली और योग्यता पर सवालिया निशान खड़ा करना होगा, क्योंकि वो लिखते हैं कि आप बीपीएल कार्ड धारी नहीं। अरे भाई, जब मेरी पत्नी बीपीएल कार्ड धारी है, कार्ड उनके नाम से है राशन कार्ड, जब मैं उनका पति हूँ संवैधानिक तौर पर, तो मैं बीपीएल सूची का मेंबर हूँ। और उसके बाद इसका जब मैंने स्पष्टीकरण दिया प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के पास, तब मुझे प्रथम अपीलीय अधिकारी यह पत्र जारी करते हैं कि आप दिनांक, एक मिनट आपको बता रहा हूँ,
उप कृषि निदेशक सांख्यिकी सह प्रथम अपीलीय अधिकारी कृषि निदेशालय झारखंड रांची के द्वारा मुझे पत्र दिया जाता है कि आपका प्रथम अपील आवेदन पत्र संख्या 3/3/2023 उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि आपके प्रसंगाधीन प्रथम अपील आवेदन के आलोक में 5/4/2023 पूर्वाहन 3 बजे प्रथम अपील की सुनवाई निर्धारित की जाती है। अतः अनुरोध है कि निर्धारित तिथि को ससमय उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने की कृपा की जाए। मैं आपको सूचित करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ये पत्र जारी करते हैं 29 तारीख को, 31 तारीख को ये पत्र भारतीय डाक द्वारा प्रेषित किया जाता है मेरे पत्राचार पते पर 31 तारीख को। अब मुझे अपना पक्ष रखने के लिए जो उपस्थित होने का पत्र है ये मुझे प्राप्त होता है 14 तारीख को। आप ही बताएं कि जो पत्र 31 तारीख को छोड़ा गया, इस आशय की सूचना मुझे किसी प्रकार से नहीं दी गई, अब मुझे पत्र प्राप्त हो रही है 14 तारीख को, तो मैं 5 तारीख को कैसे उपस्थित होऊंगा? मैं इसका स्पष्टीकरण मोबाइल के जरिए कुछ सूचना आएगा बता क्या? किसी प्रकार की कोई सूचना मुझे प्राप्त नहीं हुई। देखिए, ये कृषि विभाग के जो कृषि निदेशक जन सूचना पदाधिकारी हैं, जो अभी जो चल रहा है संपूर्ण झारखंड में ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन, इसमें 90% सब्सिडी का खेला है। ऐसे किसानों का ड्रिप सिंचाई का योजना का लाभ प्राप्त है जो किसान इस धरती पर है ही नहीं। कुछ ऐसे किसान हैं जो बिल्कुल किसान है ही नहीं। कुछ ऐसे किसान हैं जिनका जमीन 50 डिसमिल है और दिखाया गया है कागज पर कि 5 एकड़ में 4 एकड़ में 3 एकड़ में ड्रिप सिंचाई का योजना का लाभ दिया गया, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। देखिए, ये मुख्यतः जांच का विषय है। इस पर अगर गंभीरता से जांच किया जाए तो इसमें आज पिछले लगभग जब से ये योजना का लाभ दिया जा रहा है संपूर्ण झारखंड में, तो अरबों रुपये का बंदरबांट है जिसमें कोई दो राय नहीं है, जिसमें नाबार्ड के अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, निदेशक, डायरेक्टर, सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जो और कंपनी जो सप्लायर है, जो कंपनी है, निजी संस्था है, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कहीं दो राय नहीं है। सरकार इतना तनख्वाह देने के बावजूद भी अधिकारी घुसपैठी का मामला, इस पर क्या करना? देखिए, उनका तो ये तो विवेक की बात है। ये जो पैसा राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा आवंटित किया जाता है ये कृषि उत्थान के लिए है, किसान के उत्थान के लिए है, परंतु ये सोचते हैं हमारा तो अब मेला आ गया, चलो जितना लूट सके। और झारखंड ऐसे भी लूट का सबसे बड़ा बंदरगाह रहा है, आज से नहीं, जब से झारखंड बना है हर विभाग में लूट, कोई विभाग अछूता नहीं। लेकिन जांच का विषय, अब इसका जांच कराएगा कौन और करेगा कौन? जो बेदाग होगा वही करेगा और जो इसको निर्भीकता से रखेगा। और ये बात, ये मामला कहीं ना कहीं न्यायपालिका तक जा सकती है। इन बातों को अधिकारी के बीच में रखने के लिए आपको उत्साहित कब से हुआ? हम तो आज पिछले लगभग 20 सालों से मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। मैं बजाबते आरटीआई का ट्रेनिंग भी लिया है और मैं राष्ट्रीय स्तर का भी आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। मैं बहुत सारे चीज़ों में लिखता रहता हूँ। आपका कोई संस्था वगैरह चलता है? नहीं, मेरा कोई संस्था नहीं है, मैं निर्भीक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। मेरा कोई संस्था नहीं, मैं किसी संस्था के माध्यम से जुड़ना नहीं चाहता, क्योंकि संस्था में कहीं ना कहीं गोलमाल। आप अधिकारी पे भी गोलमाल, पत्रकार पे भी गोलमाल, सरकार पर भी गोलमाल, सही कौन है, इस पर क्या कहना? देखिए, आज के डेट में सही वही है जो सही कार्य करे। अगर मैं इस देश का मुख्यमंत्री, इस राज्य का मुख्यमंत्री हूँ, तो मेरे राज्य में किस विभाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किसमें लूट खसोट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किसमें लूट खसोट चल रही है, इसको हमको गंभीरता से लेना होगा और इस पर कार्रवाई करनी होगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी। और जो पत्रकार बंधु हैं, पत्रकार बंधु को मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पत्रकार बंधु से भी मेरा गुजारिश है, चूँकि भारतीय संविधान के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, इन पर सारे जनताओं का एक अटूट विश्वास सा बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं सच्चाई को धरातल पे, पटल पे रखें ताकि लोगों को एक मजबूती मिले। कुछ पत्रकार नेतागिरी भी कर रहे हैं, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो अपना कलम को नहीं बेचना चाहते, अपना न्यूज को नहीं बेचना चाहते, कुछ पत्रकार अपने आप को बेच रहे हैं, कुछ पत्रकार डरते हैं कि शायद ये न्यूज चलाने से तहलका मचेगा, मेरा जान का भी डर है,
खौफ भी है, बहुत सारी बातें। वैसे पत्रकार पर आपको शिकायत है, जो पत्रकार अपने कलम से डरते हैं, जो पत्रकार नेतागिरी करते हैं? बिल्कुल उनसे शिकायत है कि अगर ऐसा आप काम करते हैं तो ये छोड़ दीजिए और सीधा सीधी नेतागिरी पे उतर जाइए और लूट खसोट का धंधा कीजिए। क्यों फिर पत्रकारिता में आए हमारे चैनल में बात करें।